फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो बस मेरी ये मॉर्निंग कुलसुम आई थी सफाई के लिए और हमारा आ गया है नाश्ता अयान का और मेरा। अयान और मैं रोज़ाना हलवा पूरी खाते हैं, रोज़ तो नहीं खाते, हर कभी कभी खाते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे रोज़ाना इतनी हलवा पूरी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये वाली जो है ना बहुत टेस्टी है। तो गाइस मैं फ्री हुई हूँ अभी असर की नमाज़ पढ़ के, नाश्ते के बाद बस घर की सफाई वगैरह की कुलसुम आ जा ही नहीं है, तो बस असर की नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हुई हूँ। और आयत की वजह से बहुत परेशान हूँ, बहुत तेज़ बुखार हो रहा है और ना कुछ खा रही है ये ना कुछ पी रही है, बहुत इसने परेशान किया हुआ है। और मुझे जाना है सैलून, लेकिन आयत को इतना तेज़ बुखार हो रहा है इस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ अभी तक मेकअप करने। बस उन लोगों ने भी, मेकअप वालों ने भी देर से आना था, तो इसलिए मैंने सोचा देर से ही जाऊँगी। अब ये उठी है, इसको दवाई पिलाई है, थोड़ा सा कुछ खिला के फिर साथ ही लेकर जाऊंगी। इतने इमरान भी नमाज़ पढ़ रहे और मेरी तो हो गई है सर की नमाज। तो गाइस मेरा ये कल वाला ब्लॉग चल रहा है, कल वाला ब्लॉग एंड नहीं किया था मैंने, इसलिए मुझे ब्लॉग चल रहा है मेरा। तो बस क्योंकि आज अब ये नेक्स्ट डे हो गया है, कल का जब मैंने असर की नमाज़ पढ़ी थी सैलून चली गई थी, सैलून आने के बाद मेहमान आ गए थे घर में, उनके साथ बैठी, फिर लाइट चली गई, फिर मैं सो गई, फिर सुबह उठी हूँ। तो अभी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं आई हूँ रिफ्रेश होकर, हुई है मॉर्निंग, काफ़ी देर हो गई, खैर मॉर्निंग हुए हुए तो नाश्ता वगैरह सब कर लिया। आज मैं सैलून नहीं गई हूँ क्योंकि आज है मेरा सारा ब्राइडल मेकअप घर में। तो ये देखें मैंने घर में अपना पार्लर सेट किया हुआ है क्योंकि मेरी यहीं करीब की ब्राइड थी, तो मैंने यहीं बुलाई है घर में। तो बस उनका इंतज़ार कर रही हूँ, वो करूँगी। और आयत तो रात से बहुत बुखार है, उतरा ही नहीं है 2 दिन से बुखार आयत का। तो बस सारा पूरी रात जाकर गुजारा, ऊपर से लाइट भी नहीं थी पूरी रात। और आयत का फीवर रात में हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, दिन में सही हो जाती है, रात में फीवर हो जाता है दोबारा से। तो बस अभी तो वो सो रही है, तो अगर वो यहाँ आ गई तो मुझे कोई काम नहीं करने देगी, इसलिए मैं जबकि जबकि यहाँ काम कर रही हूँ। क्लाइंट्स जो है, मेरी ब्राइड जो है, वो अभी आएंगी यहाँ पर, तो फिर उनके मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो टाइम मिला तो सारा दिन की रूटीन आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने कहा जब तक क्लाइंट ना आए तब तक मैं ही तैयार हो जाऊँ, बहुत दिन सारा तैयार होने का, इतने दिन से तैयार ही नहीं हुई, कहीं गई नहीं हो ना तैयार होकर। तो बस अभी मेरे क्लाइंट आने में टाइम है, तो इतनी देर मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ। मैं अभी हो रही हूँ रेडी, सामान लेकर आई हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा ले आते तो फिर अपना ले जाना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए। तो गाइज़ आज मैं अपना सैलून घर पे ही लेकर आ गई हूँ और मैंने घर को ही सैलून बना लिया क्योंकि मेरी यहीं अपॉइंटमेंट है। ये देखें सारा आज यहीं पर फैलाया हुआ है मैंने, यहाँ पर घर पर मेकअप कर रही हूँ, ब्राइडल मेकअप है, 2 ब्राइड्स हैं और मेकअप हैं। तो आज सारा काम मैं यहाँ पर करने वाली हूँ और अकेले करने वाली हूँ क्योंकि आयत की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो इसलिए आज मैं सैलून भी नहीं गई हूँ, तो मैंने ब्राइड को यहीं पर बुलाया घर पे। ये देखें सारा सामान आज मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है, अपना सैलून यहाँ पर बनाया हुआ है मैंने आज। तो ये ज़्यादा मुझे मज़ा आता है, दिल चाहता है कि घर में ही सारा काम बुला लूँ और यहीं पर कर लूँ ताकि आयत को भी आराम से देखती रहूँ, घर भी डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन जाहिर सी बात है सैलून की तो बात ही अलग है, और वहाँ होता है लड़कियाँ होती हैं तो बहुत हेल्प कर देती हैं मेरी, तो इसलिए भी। तो आज थोड़ी बहुत हेल्प मेरी अयान करने वाला है, और सैलून तो खुला हुआ है सारी सी बातें, वहाँ पर भी काम होता है तो वहाँ पर है सारी मेरी वर्कर, तो बस सुकून होता है ज़रा मैं घर में काम करूँ क्योंकि मैं बहुत पहले की बात है, काफ़ी अरसे सालों पहले की बात है, जब शादी से पहले मेरा सैलून घर में ही हुआ करता था, लेकिन जब से सैलून बनाया है सारी सी बातें थोड़ी सी घर की डिस्टर्बिंग हो गई है क्योंकि ख़ास वहाँ जाना पड़ता है। तो मेरा यही दिल चाहता है अभी भी कि मेरा घर में ही हो सैलून लेकिन ये है कि बाहर सैलून की तो बात ही अलग है, प्रोफेशनल तरीके से बंदा फिर काम कर रहा होता है। लेकिन बस शुक्र है अल्लाह का, और आयत की आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इतना बुखार बेचारी को हुआ हुआ है,
सही नहीं हो रहा उसको बुखार, पता नहीं क्यों रात में उसको बुखार हो जाता है और बहुत ज़्यादा तेज, और दिन में वो खेलने में लग जाती है तो इतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा होता। लेकिन आज फिर एक दूसरे डॉक्टर का पता बताया तो वहाँ जाऊँगी, क्योंकि कल जिस डॉक्टर से मैं आया की दवाई लेती हूँ उससे तो मैं दो दिन से ले रही हूँ दवाई, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं। और देखें इस तरह से हेयर्स बनाने में मेरे बिल्कुल भी स्टिचेस पता नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है कि लगे हुए ही नहीं है। तो अब से मैं बस ऐसे ही बाल बनाया करूँगी ताकि मेरे स्टिचेस पता ना लगे। ये देखें बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो अभी मैंने ब्राइड रेडी कर दी है, सारा काम मेरा रेडी हो गया है, मैं दिखाती हूँ। करके जैसे कि मैंने दिखाया, आज सारा दिन घर पे मैंने काम किया है, सारे आज मेरे क्लाइंट घर पर आए क्योंकि मेरी यहीं की ब्राइड थी, मैंने बताया था। और अभी मैं फ्री होकर खाना खा रही हूँ, आराम और आयत भी, और आयत को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है बेचारी को, इसको दवाई दिलवाने के लिए जाना है, इसलिए मैंने बिरयानी मंगवाई है खाने के लिए। अब जल्दी से हम लोग बिरयानी खा के फिर जा रहे हैं। हमारी बिरयानी मज़ेदार थी, खाओ। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ में। जिसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें। ये दो दिन का ब्लॉग है इसलिए इस वक्त एंड कर रही हूँ, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी जो खाने की रूटीन होगी वो कल के ब्लॉग में मिलेगा देखने को आपको। अल्लाह हाफिज़।